अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रायनासवर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया कढ़ी बनाना, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले जो हमको चाहिए वो है छाछ। ये मैंने छाछ ली हुई है, ये अमूल की छाछ है, ये 500 ml की है। आप इसकी जगह कोई और भी ले सकते हैं, दही भी यूज कर सकते हैं, बट दही की बनाएंगे तो उतनी टेस्टी नहीं होगी। उसके बाद हमको चाहिए 8 से 10 लहसुन, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 मिर्ची और 1/2 टीस्पून जीरा, बेसन, 2 टेबल स्पून हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार और 2 मीडियम साइज की प्याज है। उसके बाद इसके तड़के के लिए हमको चाहिए राई है 1/2 टेबल स्पून, जीरा है 1/2 टीस्पून, मिर्ची है, 1 कांदा है, 4 से 5 लहसुन है और थोड़ा कड़ी पत्ता है। और भजिए के लिए चाहिए हमको 4, मैंने कांदा लिया हुआ है, धनिया लिया हुआ है और 4 मिर्ची है। अब हम ये दोनों जो है ये इसको तो बाद में काम आएगा, इसको हम किनारे रख देते हैं। ये मैंने एक अपना मिक्सर ग्राइंडर लिया हुआ है, इसमें हम अब डाल देंगे ये जो हमारे सब हैं। अदरक को काट के डालिएगा वरना बारीक नहीं होगी। मैंने डाल दिया, अब हम लेंगे छाछ। छाछ को मैं खोल ली और इसमें ही मैंने ऐड कर दिया। पूरी छाछ मैं नहीं डालूंगी वरना बहने लगेगा, तो आधा डाली हूँ आधा बचाई हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन हमारा 1/2। अभी मैं 2 ही टेबल स्पून डाल रही हूँ, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं फिर और डालूंगी। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे कि जो बेसन है वो मिक्स हो जाए छाछ में और अदरक लहसुन मिर्ची जीरा सब पीस उठे। ओके, इसको मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपना पीस लिया, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून और बेसन ऐड किया था। आप जब बनाएंगे आपको उसको खुद ही समझ में आएगा। अभी आपको मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देख लीजिए कैसा तैयार हुआ है बनके ये, अब मैं आपको बताती हूँ। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे इसको पूरा, हमारा जो छाछ है वो भी डाल देंगे जो बचा हुआ था। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, देख रहे हैं? इसको हमको एकदम पतला बनाना है। ये देखिए, ये मेरी बॉटल है पूरी फिनिश हो गई, मैंने डाल दिया इसमें, कितना पतला है ये। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे नमक और हल्दी है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये जो मैंने कांदा लिया था उसको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है, वो भी हम डाल देंगे। पतला मत करिएगा, बहुत रफली चॉप करिएगा। इसको करेंगे मिक्स और हम रख देंगे इसको गैस पे। ओके, ये देखिए मैंने इसको रख दिया है गैस पे। इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे चलाते रहेंगे और इसको बॉयल आने देंगे फास्ट फ्लेम पे। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तब मैं दिखाती हूँ कि करना क्या है। इसको बस जब बॉयल आएगा तो इसको स्लो कर देना है। और अगर आपको जैसे बॉयल आना शुरू करे और इसमें थिकनेस लगे कि मेरा बहुत गाढ़ा है या मेरा बहुत पतला है, तो आप इसमें, अगर पतला लगे तो इसमें आप बेसन और वैसे ही छाछ में या पानी में मिक्स करके आप बेसन डाल दीजिए, या तो अगर गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। बस सिंपल। हाँ, अब इसको पकने देते हैं हम। इसमें बॉयल आ जाता है तो हम इसको स्लो कर देंगे। ओके, मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट आपको क्या करना है। ये देखिए हमारी कढ़ी में जोश आ गया था, मैंने इसको स्लो कर दिया, ये स्लो स्लो पक रही है। और अब इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लीजिए। इसको पकने देते हैं, हम आते हैं अपने भजिया की तरफ। भजिया करके हम रख देते हैं। ये देखिए मैंने अपना जो कांदा था उसको बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी धनिया, धनिया भी मैंने काट ली, मिर्ची बारीक काट ली, इसको हम ऐड कर देंगे अपना। ओके, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोडा, इसको हम 4 चुटकी, बहुत थोड़ा से, 1/2 टीस्पून से भी कम लिया हुआ है, आप देख लीजिए। इसको हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जीरा, एक मैंने इसको ऐसा लिया, ऐसा ऐसा करके आप डालेंगे उसको मसल के ना, तो उसकी खुशबू अच्छी आती है। ओके, हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी बेसन। हम जैसे अपने नॉर्मली भजिया बनाते हैं हमको वैसा ही बनाना है,
बस इसमें क्या है, हमको बेकिंग सोडा डालना है जिससे कि ये अच्छे सॉफ्टी बने। ओके, मिक्स कर लेंगे सब चीज इसमें, ऐसे करना रहता है बस, क्योंकि हमारी भजिया चुरचुरी बनती है ऐसे, लेकिन हम इसको चुरचुरी नहीं, हमको सॉफ्ट बनाना है इसको। हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा। देखिए हमारी कढ़ी पक गई है, ये गाढ़ी हो गई है, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम दिखाते हैं दूसरा क्या करना है। अब हम अपनी भजिया फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक डाल के देखा, हमारे तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी भजिया। जैसे नॉर्मली हम भजिया बनाते हैं वैसे ही डालना है हमको। फ्लेम को स्लो टू मीडियम पे कर देंगे और इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी भजिया हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे सब। और इसको अब हम डायरेक्ट अपनी कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी का फ्लेम बंद रखिएगा और कढ़ी को ढक देंगे ढक्कन। ओके, ये देखिए ये मैंने अपने सारे जो भजिया थी वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है तल के। इसको मैं ढक के अब रख दूंगी। अब हम छौके की तरफ आते हैं, फ्राई की तरफ। ये देखिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें डाल दिया है ऑयल, इसको गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो जाता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो मैंने लहसुन प्याज मैंने जो लिया था उसको मैंने चॉप कर लिया फाइनली, इसको भी फाइनली, लहसुन भी फाइनली चॉप कर लिया। कड़ी पत्ता, मिर्ची और जीरा और राई, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब। ये देखिए हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको फ्राई करेंगे। आप इसको अच्छे से चलाते हुए भूनिएगा कि जैसे कि जो हमारा कांदा है वो डार्क ब्राउन हो जाए और जीरा वगैरह सब अच्छे से इसमें कुक हो जाए। अब कलर आ गया है कांदे में, और जो इसमें मैंने जो भी राई और जीरा सब डाला था ना, सब तड़कने लगा है। गैस बंद कर देंगे, इसमें हम डाल देंगे अपना ये तड़का का सब्जा, वो सब हम इसमें डाल देंगे। देख रहे हैं, और इसको ऐसे हम हल्का से चला देंगे कि सब जगह हमारा तड़का पहुंच जाए। अब इसको हम ढक देंगे, ढकने के बाद इसको 5 से 10 मिनट रहने देंगे कि भजिया हमारी कढ़ी में अच्छी सी फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसको ढक के रख देती हूँ, फिर 10 मिनट बाद आपको डिसआउट करके दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। मैंने इसको डिसआउट कर लिया है, ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। इसमें खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने इतना थिक रखा है, आप चाहें तो और भी थिक या और भी थिन रख सकते हैं, आपके पसंद के हिसाब से है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।